हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप को एक लेवल्ड क्लॉक जेके के सर्किट में आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट लगाकर बनाया जाता है। एक डिफरेंशिएटर सर्किट केवल बढ़ती हुई या फिर इंक्रीमेंट या इंक्रीजिंग या रेजिंग एज पर पॉजिटिव वोल्टेज स्पाइक प्रदान करता है। अतः बढ़ती हुई एज पर ही डिफरेंशिएटर सर्किट थोड़ी देर के लिए बंद देता है। अतः इस प्रकार का फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के थ्री डिफरेंट पार्ट 0, 1 और रेस्ट कंडीशन पर कोई कार्य नहीं करता। इसका जो सर्किट है, डायग्राम है और ट्रुथ टेबल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, जहाँ पर क्लॉक्ड के पहले हमने कैपेसिटर और रजिस्टर का भी यूज़ करके एक डिफरेंशिएटर सर्किट लगा दिया है और उसके थ्रू ही हम क्लॉक्ड पल्स दे रहे हैं। और जब ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर देखिए जब क्लॉक पल्स 0 है तो वहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, जब क्लॉक पल्स 1 है तब भी हमें कुछ आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलता, प्रीवियस स्टेट पर ही है। और जब क्लॉक पल्स नेगेटिव गोइंग है उस कंडीशन में भी हमें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही क्लॉक पल्स पॉजिटिव गोइंग हो जाता है तो हमें जे एंड के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो जब पॉजिटिव गोइंग क्लॉक पल्स हम देते हैं तो उस कंडीशन में जब जे और के की वैल्यू 0, 0 होती है तो हमें आउटपुट पर प्रीवियस आउटपुट ही मिलता है, और जब जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 होती है तो हमें आउटपुट 0 मिलता है, और जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 हो तो हमें आउटपुट 1 मिलता है, और जब जे और के दोनों 1, 1 कंडीशन पे हो तो हमें रेस अराउंड कंडीशन हमें देखने को मिलता है इस जे के फ्लिप फ्लॉप में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।